बॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर संजय लीला भंसाली बेहतरीन और क्लासिक फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। हम दिल दे चुके सनम, देवदास, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत और गंगूबाई जैसी उनकी शानदार फिल्में बड़े पर्दे पर धमाका मचा चुके हैं, जिन्हें फैंस का बहुत प्यार मिला। पिछले काफी समय से संजय लीला भंसाली की इंट्राला लाइमलाइट में है। सलमान और आलिया इस फिल्म में नजर आने वाले थे, लेकिन फिल्म अटक गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब फिल्म पर दोबारा से काम शुरू होने लगा है। जी हाँ, कुछ टाइम पहले ही एक इंटरव्यू के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये बड़ा खुलासा किया कि इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। फिल्म के सेट पर संजय लीला भंसाली और सलमान खान के बीच विवाद हो गया था, जो इतना बढ़ गया कि सलमान खान ने गुस्से में सेट को छोड़ दिया था, जिसके बाद भंसाली भी एक्टर के साथ काम नहीं करना चाहते थे और फिल्म बंद हो गई थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है, दोनों की अनबन सॉल्व हो गई है और ऐसे में निर्देशक अब इंट्राला को फिर से शुरू करने जा रहे हैं। तो वहीं बीते दिनों सलमान खान से भी जब उनकी इस फिल्म के बारे में पूछा गया, तब सलमान ने भी कहा था कि वो जल्दी ही इस फिल्म को लेकर काम करने वाले हैं। खबरों की माने तो एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म होने वाली है और यही वजह है कि निर्माता इसको 90 के दशक के 3 सुपरस्टार्स के साथ काम करने का प्लान तैयार कर रहे हैं। वेल, देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि आने वाले वक्त में इंट्राला में संजय लीला भंसाली और सलमान खान क्या बड़ा धमाका करेंगे और कौन सी अभिनेत्री फाइनल इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगी।